कोटा मतलब जाना जाता है एजुकेशन के लिए, वहाँ पर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उसकी एक अपनी इकोनॉमी है, लेकिन कोटा के जो लोग हैं वो आपको जब आज देखेंगे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि इस बरस क्या उपलब्धि रही है? कोटा निश्चित रूप से एक शिक्षा के क्षेत्र में एक उपलब्धि रही है, और ये उपलब्धि कोई सरकार के कारण नहीं रही, वो वहाँ एक विश्वास जगा लोगों का और देश भर का विद्यार्थी माने लगा। जो वहाँ पर हमने कहा था कि इस एक वर्ष के अंदर उन समस्याओं का समाधान करेंगे, जब एक समस्या के अलावा जितनी समस्याएं थी हमने उसका समाधान करके ऑनगोइंग सारे प्रोजेक्ट काम शुरू हो गए। हैंगिंग ब्रिज था जिसके कारण दुर्घटनाएं होती थी, उसका काम शुरू हो गया। नॉर्दर्न बाईपास का काम शुरू हो गया, और बिजली प्लांट आरएपीपी एटॉमिक पावर प्लांट वो सब तो विस्तार केंद्र सरकार की नीतियाँ उसके कारण हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी एयरपोर्ट, उसका काम हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार ऐसा लगने लगा है, पहली बार आपने भी देखा होगा कि एक वर्ष के अंदर सरकार ने हर क्षेत्र में अपना वर्क प्लान किया है। जियारपुर बिहार से नित्यानंद राय जी, हालांकि जब ये एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर समूचे देश में सब देखते होंगे सोचते होंगे उजियारपुर कहाँ है, ऐसा क्या किया कि उजियारपुर उजियारा बढ़ा? ये उजियारपुर हमारी सरकार की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि देश में जो निराशा का वातावरण हो गया था किसानों में, मजदूरों में, नौजवानों में, देश के सैनिकों में, सब में आज एक विश्वास जगी है कि भारत अब सबल देश बनेगा, मजबूत बनेगा, उन्नति की राह पर जाएगा। और मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं कि जो भी केंद्र में मोदी जी की सरकार की जितनी योजना है, लगभग सारी योजनाओं का मैं आंशिक रूप ही लेकिन उजियारपुर में मैं ले गया हूं, और वहां की विकास देश की विकास की गति के साथ रफ्तार में है। मैथिल समझते हैं ना? मैथिल तो आप समझते होंगे, मिथिला का प्रभाव तो अहाँ के बड़ी नीक बोले छे हैं, लेकिन मुश्किल क्या है कि आपने जितना मोदी जी का गुणगान कर लिया उसका कोई लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि एक साल पूरे हुए हैं, पांच डेमोक्रेसी है और पांच साल का वक्त है, काम कीजिए तो होगा। गुणगान करने के लिए नेहरू ने अपने नाम का बहुत बखान किया था, और गांधी के सामने मोतीलाल अक्सर जवाहर के बारे में बताया करते थे, उस दिशा में ना जाइए, आत्मुग्ध ना होइए। नहीं नहीं, हमारा यही आग्रह है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर सचेत रहिए। वोटर सरकार यथार्थ की धरातल पर खड़ी है और संकल्प के पास जाना दिमाग में रखिएगा। पशुपति जी धनबाद से आते हैं, हमें लगता है कि धनबाद और झरिया की जो कैलरी का मसला है उसको लेके वहाँ पर जिस तरीके की परेशानी होती, झरिया तो नीचे से खाली हो गया और धनबाद उससे जुड़ा हुआ है, सड़क वहाँ पर टूटी फूटी, ट्रक की आवाजाही बहुत ज़्यादा, इन सारी स्थितियों के बीच वहाँ का वोटर आपसे बहुत कुछ चाहता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है धनबाद के लिए। देखिए, मोदी सरकार बनने के बाद हम लोगों का जो धनबाद में एक्सपेक्टेशन, पहला एक्सपेक्टेशन था कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस व इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा दिया जाए, दे दिया गया। नरेंद्र मोदी जी धनबाद नहीं गए थे, पहली बार रांची गए, और मैं उस समय भी सांसद था। उन्होंने समस्या को मंगवाया, दिल्ली मंगवाया, और रांची से घोषणा किया कि हमारी सरकार आगे बनेगी, हम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा देंगे। मैन ऑफ विजन, सूझबूझ की सरकार, इसलिए कह रहा हूं। इसके पहले खाली एक मिनट, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के लड़के मनमोहन सिंह सरकार के दौर में विरोध करते हुए जंतर मंतर पे बैठे थे। एक मिनट, पूरा लेटर उन्होंने भेजा था, मनमोहन सरकार नहीं मानी, उस पूरे लेटर की गड्डी जो है प्राइम मिनिस्टर जैसे ही मोदी बने उनके पास भेजा गया, चूंकि उसकी एक कॉपी हमारे पास भी आई थी और वो सरकार के एजेंडे में पहले दिन से था, इसीलिए वो आईआईटी के दर्जे को आपको बतला रहा हूं। संघर्ष लड़कों का था। हमारी बात सुने, वहां के छात्रों ने राहुल, हम कहां इनकार कर रहे हैं, वहां के छात्रों ने राहुल जी को बुलाया था, नहीं पूरा किया उन्होंने, हम सहमति हमारे सर पूरा नहीं किया ना, लेकिन गए थे वहां, पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया, हम कह रहे हैं पूरा नहीं। प्रणब मुखर्जी साहब को बुलाए थे,
मॉन्ट्रैक सिंह को बुलाए थे, ऑलवालिया साहब को बुलाए थे, सब जाकर लौट कर चले आए, लेकिन बिना गए हुए, अभी तक गए नहीं है। सर्वसम्मति से मोदी सरकार की, या यूं कहें आपकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इस एक साल की क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि? मैंने शुरू में भी आपको बता दिया था, हाँ। मोदी सरकार ने जितने भी एजेंडे हाथ में लिए थे, जैसे मैंने आपके सामने कहा, हमारे अन्य वक्ताओं ने ये बात, इस बात का उत्तर आ चुका आपके पास कई बार। नहीं, सबसे बड़ी, सारे लोग जिस पर सहमत हो जाएं, सारे लोग इस बात पर, नंबर एक, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गरिमा का सम्मान, ये दो ऐसे पहलू हैं जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक मोदी सरकार के प्रति आशान्वित है जी। ये मेरा निवेदन है। मैं दूसरा, मेरे क्षेत्र के संदर्भ में एक दो बात कहना चाहूंगा वहां, और मैंने तीन चीजों पर सबसे अधिक महत्व दिया है, शिक्षा पर, सड़कों पर, पेयजल के ऊपर और गौरक्षा के ऊपर। राजस्थान भारत का ऐसा प्रदेश है जिसमें अकेले में 10% पशु हैं। उस पशुधन में दूध, आपको दिल्ली में यदि दूध मिलता है, गुजरात और राजस्थान ही पिलाता है, तो उसके लिए हमने काम किया है। और मोदी जी ने इस क्षेत्र में भी गौरक्षा के लिए स्टेप उठाए हैं, महाराष्ट्र में गौहत्या बंद हो गई है, और सब जगह स्टेप उठाए जा रहे हैं। जिस देश के बच्चों को दूध के लिए तरसते थे, वहां आज श्वेत क्रांति एक दूसरे रूप में आ रही है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मोदी जी हर दृष्टि से स्टेप उठा रहे हैं। मैं मुकेश राजपूत जी, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से हूं। देखिए, एक जो भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में जो चर्चा हुई, मैं बता दूं, मूल रूप से मैं किसान हूं, आज भी किसान हूं, सांसद बन गया हूं, सेकंड चीज है। लेकिन कहीं पर भी हमारे उत्तर प्रदेश में, अब हम दिल्ली से आसपास के एरिया की नहीं मैं बात कह सकता हूं, हमारे यहां किसी किसान को इस भूमि अधिग्रहण से कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, हम और बता दें आपको, जो लोग ग्रोथ कर रहे हैं, सही माने में वो भूमिहीन हैं। कहने का मतलब वो किसान नहीं है, जी, मजदूर है, हाँ, भूमिहीन लोग हैं। जो लोग यदि यहाँ दिल्ली में भी आते जंतर मंतर में, या कहीं पर भी जो लोग आते हैं, वो लाए जाते हैं, स्वतः किसान नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान से। वो बात अलग है कि हाँ, कुछ दिल्ली के आसपास के एरिया के लोग किसान आते होंगे। ये जो भूमि अधिग्रहण बिल है, ये किसान विरोधी बिल्कुल नहीं है, ये पूरे देश का किसान जान चुका। पर जी, एक सवाल का खाली जवाब, हमने सुना कि आपने संसदीय दल की बैठक में एक बात कही कि मोदी जी आएंगे तो सब काम हो जाएंगे, ये हम चुनाव से पहले कह रहे थे, लेकिन अब तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में साफ कुछ हो नहीं रहा, बड़ा दर्द है। नहीं, ये बात, ये बड़ा दर्द है। नहीं, ऐसा है कि हम लोग मोदी जी के, हमने जो प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किसानों की उपेक्षा किया है, हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है और एक भरोसा सबको है और पूरे देश को भरोसा है, 125 अरब देश के जनता को भरोसा है और इस देश के गरीब भाइयों को भरोसा है श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो कार्य, इस प्रकार का ऐसा प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री ये सूट बूट की बात जो करते हैं, वो लोग, उन लोगों को जलन हो रही है। एक गरीब घर का निकला हुआ व्यक्ति जिसने चाय बेचा, वो व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है, जिस प्रकार से काम कर रहा है। मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ, बहुत बड़ा जिला है, बहुत नामचीन जिला है, और हमारे जिले में बहुत, हमारी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 600 करोड़ रुपए का रोड का काम चालू हो गया नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से। 270 करोड़ रुपए का बाईपास कभी नहीं बना 67 साल में, उन्होंने पास कर दिया, वो लैंड एक्विजिशन हो गया, अभी काम 3 महीने में टेंडर होकर चालू होने जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ, और तो ये आप लिख के ड्राइवर वगैरह हो रहा है। अब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में लिख के तो बताइए ऐसे ही। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मतलब हमने कहा कुछ छूट न जाए। ना कुछ छूटे तो हमारे यहाँ जो समस्या है सबसे बड़ा, आंवला हमारे यहाँ सबसे अधिक होता है जी। आंवले की कोई फैक्ट्री कायदे की नहीं है वहाँ। हम मेगा फूड पार्क लगाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन 50 एकड़ जमीन इकट्ठा नहीं मिल पा रही है, जमीनें बहुत छोटी छोटी हो गई हैं। मेगा फूड पार्क लग जाए तो वहाँ की समस्या काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। आज एहसास हुआ कि हम पार्लियामेंट में ही एक छोटी सी बैठे हैं, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में भी लोगों को बोलने की आदत रहती है, सुनने की नहीं, बोल बोल के लोग सरक जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहा। दूसरी चीज देखिए प्रसून भाई साहब, आप निश्चित रूप से, आप जैसे सवाल करते हैं ना, आप वैसे ही अटैकिंग मुद्रा में आपको रहना ही है, क्योंकि आपसे देश को यही अपेक्षा है। और हमारी
एक साल में किसी सरकार की नीति और नियत देखी जा सकती है। नीति अच्छी है, नियत इस बात से आप समझ सकते हैं कि जिस देश में सिर्फ स्कैम और स्कैम आपका आज तक हम लोग देखते थे, ये स्कैम वो स्कैम, ये 5,40,000 करोड़ का ऐसे, लेकिन इस साल भर में स्कैम की नहीं स्किल की बात हो रही है। सो हम खुश हैं, 11 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बन रहे हैं इस समय देश में, 11 किलोमीटर पर डे। भारत के विदेशों में मान बढ़ा है, युवाओं के लिए सस्ता एजुकेशन लोन हुआ है, वरिष्ठों और गरीबों की सुरक्षा पेंशन हो या फिर ये सब कुछ के साथ, आज एक बड़ी विशेष बात हुई भाई साहब हमारे पार्लियामेंट में। मैंने राहुल जी को देखा कि दीपेंद्र हुड्डा इस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि राहुल जी के फूड पार्क पे बार बार क्यों सरकार जवाब दे रही है। अरे आपने सवाल पूछा तो जवाब तो आपको सुनना ही चाहिए। कुल मिला के मैं इतना ही कह सकता हूं कि कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना, समझो मोदी की नीयत को कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो विपक्ष कहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश के 50 सांसद, 50 कॉन्स्टिट्यूंसी, उन कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर बीते एक बरस में क्या कुछ हुआ और उन सब के कहीं आईने में प्रधानमंत्री मोदी किस रूप में नजर आते हैं, सब कुछ इस महापंचायत में हमने देखा। इसके जरिए हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अब जितनी जितनी उपलब्धियां गिनाई गई हैं उनमें से आप अपनी चुनिए, आपके क्षेत्र में हुआ कितना काम है, सरकार की उपलब्धियां कितनी हैं। लेकिन सरकार के एक साल पर हमारी पेशकश का ये अहम हिस्सा यहीं पर खत्म होता है। दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज तक।